प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि कल 12 नवंबर को जो फॉर्म अपलोड किए गए हैं, ठीक है ना। तो साथियों, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि साथियों कितनी संख्या में फॉर्मों को अपलोड किया गया है और किस डेट तक के फॉर्म को अपलोड किया गया है और अब किस तारीख को फॉर्म अपलोड और होंगे, ठीक है। और आपको जो पेमेंट मिलेगा क्या 4500 मिलेगा या 4000 या 3500, ठीक है। और आपका पेमेंट साथियों कितना बनेगा और आपका बिल है वो कब पास होगा, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने 8 नवंबर को एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बताया था कि दोस्तों आपके फॉर्म है वो 15 नवंबर से पहले अपलोड कर दिए जाएंगे और साथियों आपके फॉर्मों को कल 12 नवंबर को अपलोड कर दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी संख्या है साथियों लगभग 19 और 20 हज़ार के बीच में इनकी संख्या बताई गई है, ठीक है ना। इतने फॉर्मों को अपलोड किया गया है, इसीलिए साथियों फरवरी के जो शेष दिन हैं उनके कर दिया गया है, मार्च के फॉर्मों कर दिया गया है और आपके 6 अप्रैल तक के फॉर्मों को अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी वाले बटन को साथियों जरूर दबा ले, ठीक है। अच्छा साथियों, ध्यान रखना, इनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिनके 6 अप्रैल से पहले फॉर्म वेरीफाई था, उनका नहीं हुआ है, ठीक है ना। उनमें कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है ना। और साथियों, इब अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका बिल है वो कितने का पड़ेगा। देखो, जिन दोस्तों का फॉर्म 12 नवंबर को अपलोड हुआ है तो आपका पेमेंट 19 दिन का बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई नवंबर का महीना है 30 दिन का, तो आप 30 में से जब भाई 12 निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, लगभग ये 19 दिन का पेमेंट आपका बढ़ता है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो आप लगा लेना, आपके दिन के 117 करीब रुपए बढ़ते हैं और जो मेल कैंडिडेट होते हैं उसके बढ़ते दिन के 100 रुपये, ठीक है। तो जो आप 100 को 19 से गुणा करोगे तो आपका लगभग हो जाएगा साथियों 1900 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट 117 को 19 से गुणा कर लेना, ठीक है ना। तो इतना आपका जो बिल होगा वो पास होगा। और दोस्तों, यह आपका जब नवंबर माह का बिल पास होगा तो उस समय आपका ये बिल है सूचना पोर्टल पे सबमिट, यानी सूचना पोर्टल पे उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपको दोस्तों 4500 के अनुसार आपको नहीं मिलेगा, पुरानी सिस्टम के अनुसार यानी 3000 और 3500 के अनुसार ही आपका बिल है वो पास किया जाएगा, ठीक है। और आपका जो फॉर्म रिन्यू होगा वो 2022 1 नवंबर को आपको रिन्यू डेट आ जाएगी, यदि इंटर्नशिप लागू नहीं होती है तो। यदि लागू होती है तो साथियों इसको आपको बीच में ही रिन्यू करवाने की डेट यहाँ पर नहीं आएगी, वहाँ आपको टाइम टाइम पर इसको अपग्रेड करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो रही साथियों मोटी मोटी बात। और जो कुछ फॉर्म और बचे हैं उनको भी साथियों अगले महीने में अपलोड कर दिया जाएगा। और साथियों, हमारी तरफ से बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, जो हमारे लिंक से अकाउंट बनाएगा ICICI डायरेक्ट ऐप का, हम उसे 100 रुपये देंगे और 600 रुपये देगा ऐप। उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और बेरोजगारी भत्ते की पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और घंटी वाले बटन को दबा लें। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मेरे राजस्थान के किसी भी बेरोजगार भत्ता लेने वाले साथी को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।